नमस्कार, मैं हूं शिवानी धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों को। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती के लिए पहली बार रविवार को परीक्षा शुरू हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में परीक्षा का आयोजन हुआ। दिल्ली, कानपुर और पटना समेत देश के कई हिस्सों में यह परीक्षा आयोजित की गई। 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच यह परीक्षा होगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन पेशे से डॉक्टर भी हैं। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखी गई। उन्होंने दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा के दौरान विमान में यात्रा कर एक दूसरे यात्री की बेचैनी की शिकायत पर उसकी मदद की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे और भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र में कहीं से भी चुनाव जीतने की क्षमता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। शिवमोगा के शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र में आज पर विधायक रहे येदियुरप्पा ने कहा कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को अपने बेटे को मैदान में उतारने का सुझाव देंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी और उसके बाद उन्हें किस तोपों की सलामी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि समारोह कल सुबह करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद उन्हें किस तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यह खतरनाक बीमारी अब तक दुनिया में 70 से अधिक देशों में फैल चुका है। इसको लेकर WHO महानिदेशक डॉक्टर ट्रेड्रोस ए घेब्रेयेसस के मुताबिक मंकी पॉक्स के अभी तक 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। भारत के खिलाफ चीन हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि एक चीनी निर्माण कंपनी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में अपना कार्यालय स्थापित किया है, साथ ही मुजफ्फराबाद और अथमुकम से सटे क्षेत्रों में हो रहे कार्यों को नियंत्रित कर रही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने बधाई दी है। चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। केंद्र सरकार कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में जरूरी दवाओं की कीमतों में कमी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन घोषणा को लेकर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर चिंतित है और उन्हें नियंत्रित करने का इच्छुक है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी, अब चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है। राउत की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने संबंधी कागजात मांगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक जानकारी साझा की गई है कि देश में अब तक वैक्सीन की 200 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज शामिल हैं। हालांकि एक आंकड़ा और है जो सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। 18 जुलाई तक देश की करीब 4 करोड़ आबादी ने पहली भी खुराक नहीं ली थी। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही है। फुलवाड़ी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गृह मंत्रालय ने अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जांच शुरू कर दी है। NIA ने इस मामले को UPA के तहत दर्ज किया है। UAPA वैसे व्यक्ति या संगठन के खिलाफ लगाया जाता है जिन पर आतंकी या उग्रवादी गतिविधि में शामिल होने का संदेह होता है। NIA के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार NIA फुलवाड़ी शरीफ मामले में PFI से जुड़े मामले की छानबीन करेगी। राजधानी पटना में रविवार को झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मॉनसून अभी काफी सक्रिय है। ऐसे में पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक रूपरेखा जैसलमेर, कोटा, गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।
संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। खाद्य पदार्थों पर लगाया गया जीएसटी और महंगाई को लेकर विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले सप्ताह में बहुत कम कामकाज हो पाया। सोमवार 18 जुलाई को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जीएसटी और महंगाई पर तुरंत चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में हो रही है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। दिल्ली में हो रहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने पहुंचे गए हैं। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर ये बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी, हेमंत विश्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, प्रमोद सावंत, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, देवेंद्र फर्नांडिस, वीरेंद्र सिंह बसवराज बुम्बई, जयराम ठाकुर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को SSKM अस्पताल से कमांड अस्पताल में स्थानांतरित करने पर ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है। मामले पर आज सुनवाई होने की संभावना है। उधर अर्पिता को अदालत में पेश किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी की सिंगल बेंच शाम 4 बजे ईडी की याचिका पर सुनवाई किया। दिल्ली में रविवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। पश्चिम दिल्ली में रहने वाले 32 वर्षीय शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। इस शख्स का कोई विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों यह मरीज गर्मी की छुट्टी मनाने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली गया था। पीड़ित शख्स डॉक्टरों की निगरानी में दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती है। जिला मंडी के गोहड़ उपमंडल की ग्राम पंचायत चैल चौक के सलोई गांव निवासी महेंद्र कुमार को पेड़ से घास काटते समय एक अजीबोगरीब अंडा मिला है। यह अंडा पत्थर की तरह कठोर है और नीचे गिरने पर भी टूट नहीं रहा है। देखने में ये अंडा सामान्य मुर्गी के अंडे के आकार थोड़ा छोटा है और 86 ग्राम वजनी है। महेंद्र कुमार ने बताया कि वह 3 दिन पहले भी पशुओं को शहतूत का घास काटने पेड़ पर चढ़ा था और उसे पेड़ों की टहनियों के बीचों बीच एक सफ़ेद रंग का अंडा दिखाई दिया। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 20,279 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,38,88,755 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,200 पर पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 36 और मरीजों के जान गंवाने के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,033 हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरकार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने शनिवार को कहा कि महंगाई और खाद्य पदार्थों की कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोग भोजन, वस्त्र और आवास वहनीय कीमतों पर चाहते हैं, क्योंकि ये मूलभूत जरूरतें हैं। होसबले ने भारत को कृषि में स्वावलंबी बनाने के लिए अब तक की सभी सरकारों को श्रेय दिया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी और राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। अपनी शिव संवाद यात्रा के तीसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री को उस वक्त धोखा दिया जब वह अस्वस्थ थे। एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे चीफ जस्टिस NV रमना ने अपने संबोधन में कई मामलों पर मीडिया ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। जुडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट लगा लेता है, ऐसे में अनुभवी जजों को भी फैसला लेने में मुश्किलें आती हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली के CM ने कहा कि मंकी पॉक्स को संक्रमित मरीज स्थिर है और ठीक हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे बताया कि हमने LNJP में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यह मैच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। ऐसे में आज टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं वेस्ट इंडीज की नजरें सीरीज में बने रहने की रहेगी।
मार्वल स्टूडियोज की फिल्मों के फैंस न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं। मार्वल सीरीज फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बीच डिज्नी ने कॉमिक कॉन में शनिवार को दो नई एवेंजर्स समेत कई मार्वल सुपर हीरो फिल्मों का ऐलान किया है। साथ ही मार्वल ने ब्लैक पैंथर सिक्वल का पोस्टर शेयर कर इंडिया में इसके रिलीज डेट का भी खुलासा किया है। कुछ देर पहले ही ब्लैक पैंथर वकांडा का टीजर ऑफिशियल भी रिलीज कर दिया गया है। टोर्क मोटर्स ने इस साल के शुरुआती माह में ही दो नई इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल क्रेटोस और क्रेटोस आर को पेश किया था। इनकी एक शोरूम कीमत क्रमशः 1,08,000 रुपये और 1,30,000 रुपये है। सोनी टीवी ने सोशल मीडिया पर केवीसी सीजन 14 का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया है, जिसके जरिए इसके प्रीमियर की घोषणा की गई है। लेटेस्ट प्रोमो के मुताबिक अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो का प्रीमियर 7 अगस्त 2022 को होगा। इसका पूरा हफ्ता भारत की आज़ादी के पर्व के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस साल 15 अगस्त को देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। 31 जुलाई को शाह पटना पहुंचेंगे। दरअसल बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। विमानन नियामक DGCA ने विमानों में आ रही तकनीकी खराबी पर अब बड़ा कदम उठाया है। DGCA ने एयरलाइन कंपनियों के लिए विमानों में मिल रही तकनीकी खराबी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। विमानन नियामक DGCA ने इस महीने की शुरुआत में जांच में पाया कि अयोग्य इंजीनियरिंग कर्मी विमानों को उनके प्रस्थान से पहले ही मंजूरी दे रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है देवराज कुमार, मनीषा कुमारी, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, देवराज सिंह, रंकज सोना, प्रेम कुमार, राजा राज यादव, धनजी मुन्ना यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश में कोरोना संक्रमण के दर में उतार चढ़ाव के बीच क्या आपने बूस्टर डोज लिया है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।